हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑयल पंप का सेटिंग कैसे करना है। BS 2 3 4 सब में सेम ही रहेगा। जो पुराना इंजन है उसमें भी ऑयल पंप ऐसे ही सेटिंग हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखो, ये ऑयल पंप है, बिल्कुल नया है, ओरिजिनल। ये ऑयल पंप को कैसे फिटिंग करना है, कैसे इसको सेटिंग करना है, ठीक है, ये वीडियो में आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या करना है, ये डांडी को सर्विस कर लेना है, गवंडर ऑयल पंप डांडी को। उसके लिए हम लोगों ने, मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, देखो इतना इसमें ऑयल प्ले करना है। होता है बहुत से ऑयल पंप में प्ले पहले से आता है, मगर नहीं होता है उसमें ये करना जरूरी है। अगर होता है ना, फिर भी आप एक बार कार्बन पेपर लगा के इसको अच्छे से ऑयल प्ले कर लो इसमें, ताकि 2 साल तक गवंडर डांडी चिपके नहीं। ठीक है, गवर्नर के लिए जो फॉल्ट होता है ना, वो ये डांडी की वजह से ही होते हैं। उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहीं से आप लोग देख के कर सकते हो। ठीक है, और जो भी जिसको भी अच्छे से सीखना है और अच्छे से जानकारी चाहिए, वो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, उसका ज्वाइन बटन है, वो चैनल के बाजू में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये कैम्फ्लोवर भी हम लोगों ने इसमें फिट कर लिया है, इंजन पूरा बन रहा है। इसमें सिर्फ आपको मैं ऑयल पंप का सेटिंग दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे ऑयल पंप सेटिंग करते हैं आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर ऑयल पंप सेटिंग में नहीं रहेगा तो क्या होता है, जब डीजल पंप फिट करते हैं, उधर जो हमारा गवर्नर लीवर का सेटिंग आता है ना, वो चिपक जाएगा या थोड़ा सा कट रहेगा। कट रहेगा तो क्या है, ज़्यादातर लंबी रिक्शा चलती है ना, तब वो छटक जाने का डर रहता है, तो इसीलिए उसको बीच में सेंटर में कैसे लाना है, कैसे फिटिंग करना है दिखाता हूँ। ठीक है, ये गवर्नर के वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है ये सब, गवर्नर को कैसे सेटिंग करना है। देखो फिर भी इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे ऑयल डाल के ये गवर्नर डांडी को हम लोग, देखो हो गया, ऐसे ही हम लोग ऑयल पंप को फिटिंग कर लेंगे पूरा। देखो ये आ गया गवर्नर लीवर, ये BS 2 3 4 सब में सेम प्रोसीजर रहेगा ऐसा। तो इस तरह से हम लोग इसको फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये फिटिंग हो गया, अभी हम लोग इसका वेन डालेंगे। इसको वेन बोलते हैं, रोटर भी बोल सकते हैं, मगर रोटर का ही एक प्रकार है वेन। देखो ये है गवंडर स्प्रिंग, अच्छा वाला ओरिजिनल, इसका कीमत कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आप अच्छा वाला ओरिजिनल ही डालो। क्यों, क्या होता है जब गर्म होती है ना, तब ये टेंशन छोड़ देती है। डुप्लीकेट स्प्रिंग रहेगी ना, तो गर्म होने के बाद ये टेंशन छोड़ देती है, गाड़ी अपनी स्लो हो जाएगी एकदम से। देखो ये हो गया वैन का फिटिंग, वैन को ऐसे ऑयल डाल के हम लोग फिटिंग कर लेंगे। ये गवर्नर की स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, जब इंजन एकदम गर्म हो जाता है ना, गवर्नर स्प्रिंग डुप्लीकेट है या ख़राब हो गया होगा ना, तो गाड़ी एकदम से स्लो हो जाएगी, रनिंग में स्लो स्लो चलेगी। उसके लिए आप गवर्नर स्प्रिंग को भी चेंज कर सकते हो। गवर्नर स्प्रिंग कैसे चेंज करना है ना, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो चालू इंजन में ही कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ। ठीक है, देखो इस तरह से हम लोग इसमें ऑयल डाल के ये पंप को इस तरह से सेटिंग करेंगे ना, क्योंकि नया पंप रहता है ना, थोड़ा हार्ड रहता है, तो देखो इसे दबा दबा के हम लोग इसको थोड़ा यहाँ पर ही राउस करके फिटिंग करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन आता है वो लगा देंगे। देखो वो हो गया,
ढक्कन देखो ऐसे ही ऑयल पूरा निकाल देता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रहता है इसका ये। अब हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग कर देंगे बॉडी के अंदर। देखो इस तरह से हम लोग इसको बॉडी के अंदर फिटिंग कर देंगे, ठीक है। ये जीएल का इंजन है मगर सब में सेम ही फिटिंग रहेगा, इसमें फॉल्ट होते रहते हैं, जैसा जितना फॉल्ट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा, ठीक है। देखो इस तरह से हमने इसको अभी चार बोल्ट को फेस करना है, सिर्फ चारों बोल्ट को टाइट करके सिर्फ लूज़ कर देना है वापस आधा आटा। देखो इस तरह से हम लोग चारों बोल्ट को फिटिंग कर लेंगे। ये एक थीरी है और इसके हिसाब से ही आप प्रैक्टिकल काम करोगे तो सही तरीके से काम होगा। और सबसे बेस्ट है सफाई, इसको बढ़िया से सफाई करवा लो आप। अपने हाथ से भी कर सकते हो, और अभी तो बहुत से जो लेथ में जाते हैं ना उधर भी इसको अच्छे से सफाई करके देते हैं। सफाई अच्छे से और बढ़िया से रहेगी तो हम लोगों को काम करने में मज़ा आएगा, और जो भी अपना छीना झीणा एकदम से जो चीज़ है उसको बारीक से हम लोग देख सकेंगे और फॉल्ट है तो निकाल सकेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ हर वीडियो में कि आप सफाई अच्छे से करो, जैसे अच्छे से सफाई करोगे तो अपने काम की कदर इज्जत होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से केरोसिन से सफाई करो, सफाई करके ही ये सब काम करो, और पूरा इंजन जब बना रहे हो ना तब बढ़िया से सफाई करो इसकी, चाहे 5 लीटर केरोसिन लग जाए फिर भी इसको अच्छे से सफाई करना ज़रूरी है। देखो ये मैं आधा आधा आटा यूज़ कर लेता हूँ गोल्ड को, ताकि हम लोग ऑयल पंप को अच्छे से सेटिंग कर सकें, ठीक है। इस तरह से ये पंप सेटिंग होता है, मेरा तो यही तरीका है, यही तरीके से मैं काम करता हूँ, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, तो इस तरह से हम लोग देखो कैसे इसको रखना है, थोड़े थोड़े सब बोल्ट को हम लोग आधा आधा आटा लूज कर लेंगे, ताकि पंप में जो ओरिजिनल प्ले है ना वो आपको दिखा सकूं। देखो कितना प्ले है इसमें, इसमें कोटेशन नहीं आता जो बीच में सेंटर में रह जाएगा, इसको हम लोगों को सेंटर ही करना पड़ेगा। और वो सेंटर कैसे लेना है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अगर इधर रहेगा तो इधर गैप रह जाएगा, और जीएल इंजन में तो बहुत होता है ऐसा, BS2-3 में इतना फर्क नहीं आता मगर जीएल इंजन में बहुत प्रॉब्लम है ऐसा। अगर ऐसा तिरछा रहेगा तो तोछड़ा रह जाएगा, तो छटकने का डर रहेगा गवर्नर लीवर, और गवर्नर लीवर छटक गया तो रिक्शा इंजन स्टार्ट नहीं होएगा। देखो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दो उंगली रख देंगे, ये बीच में रह गया एकदम से, देखो एकदम से बीच में है पंप इसका, और उसको कैसे चेक करना है ना वो मैं आगे दिखाता हूँ वीडियो में आप लोगों को। देखो अभी ये दो बोल्ट आमने सामने में टाइट कर लूँगा, ठीक है। अभी एकदम से सेंटर में है ये पंप, एकदम सेंटर। देखो ये डांडी अभी तो उस लगाया नहीं है ना हम लोगों ने, इसलिए मैं फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगा आगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑयल पंप को ये सेटिंग हो गया बीच में एकदम से, अभी इसके बोल्ट टाइट करते जाएंगे और ऑयल पंप को राउस करते जाएंगे, क्योंकि पहली बार जब नया डालते हैं ना तब थोड़ा ये देखो हार्ड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा फ्री कर करके बोल्ट को एकदम से बढ़िया से टाइट फिटिंग कर लेंगे। देखो ऐसा नट चढ़ा के, अब लो हम लोगों ने जो भी ऑयल पंप में ऑयल डाला था ना वो ऑयल फेंक दिया होगा ऑयल फिल्टर में, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये पूरा ऑयल फेंक देता है, क्या आ गया ऑयल इसमें, और दिखाता हूँ ऑयल खींचता है तब क्या होता है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। देखो अभी क्या करेंगे, थोड़े थोड़े बोल्ट टाइट करते जाएंगे और इस तरह से हम लोग ऑयल पंप को घुमाएंगे, ताकि ऑयल पंप हमारा फ्री का फ्री ही बना रहा है,
देखो ऐसा मैंने एक डिस्मिस बना लिया है स्क्रू ड्राइवर, इससे मैं एलन की स्पेनर से अच्छे से टाइट कर लूँगा और पंप को घुमा घुमा के फ्री करता जाऊँगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका ऑयल पंप पूरा फिटिंग कर लेंगे। बाकी सब जो गवर्नर का है उसके लिए, इसकी जानकारी के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना गवर्नर सेटिंग। देखो ये हो गया फ्री, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से ये ऑयल खींचता है, मेरी उंगली तक को खींच लेगा ये। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, उंगली भी खींच रहा होगा ऐसा आपको एहसास होगा। इधर से घुमाते जाओ, ये थोड़ा हार्ड है, नया वाला है, इसलिए दिखाता हूँ मैं आपको, उंगली में खींचा हुआ आएगा अपना। देखो इस तरह से, देखो आ गया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, देखो ये एकदम से बीच में रह गया, एकदम से बीच में। देखो अभी जब डांडी अंदर की साइड आएगी ना, तो थोड़ा सा तो छड़ा रहेगा ये, तो ये भी हम लोग नहीं चलाएंगे, इसको भी अच्छे से डांडी को ढीला करके हम लोग सेटिंग कर लेंगे, डांडी बॉडी में भी ना चिपके और इधर डीजल पंप की प्लांजर में भी ना चिपके, इस तरह से हम लोग इसको बीच में रख लेंगे। देखो ये थोड़ा सा तो छड़ा रहता है, तो इसको भी सेंटर कर लेंगे हम यहाँ से ही। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हो। ठीक है, देखो ये मैंने थोड़ा सा हटा दिया डांडी को, आ गया, देखो इतना बाहर तक आना चाहिए। ये जीएल इंजन में ज़्यादातर प्रॉब्लम रहेगा, BS 2, 3, 4 में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, फिर भी ऐसे ही सेटिंग करके देख के ही डालो, ताकि आपका काम बढ़िया से हो और आपकी इज्जत बढ़े। ठीक है, इस तरह से इसका हम लोग गवर्नर गवर्नर सेटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बेल बेल सब लगाना पड़ता है, उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों।